हेलो फ्रेंड्स, BiharRecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को चना चाट मसाला बनाने की विधि बताऊंगी। तो हल्के फुल्के भूख के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, इसको चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए, हम यहाँ चना ले लिए हैं, ये 150 ग्राम चना है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए। तो चना को हमने 5 से 6 घंटे के लिए भिगा दिया था और इसको हम एक कुकर में 1 सीटी लगा लिए हैं, बॉयल हो गया है, उबला हुआ चना है। इस तरह देखिए मिक्स हो जा रहा है। तो अब हम इसमें लिए हैं मिलाने के लिए 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और ये 1 चम्मच हरा धनिया है, 1 मीडियम साइज का आलू है उबला हुआ, इसका छोटा छोटा हमने कट कर लिया है, और प्याज है इसको भी बारीक कट कर लिया है, ये स्वाद के अनुसार नमक है, और ये चाट मसाला है, जीरा पाउडर है, ये हरी मिर्च है और लाल मिर्च है, नींबू है। तो अब हम बना रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम चना को जब हम उबाल रहे थे तो इसमें हम हल्का सा नमक भी मिला दिए थे ताकि चना में अच्छे से ये स्वाद आए नमक का। तो देखिए, सबसे पहले लेंगे हम यहाँ उबला हुआ चना और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसमें डाल देंगे आलू उबला हुआ है, ये टमाटर है 1 मीडियम साइज का, इसको भी डाल दिए हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया है और ऊपर से हम डालेंगे ये जीरा, भुना हुआ जीरा है, ये चाट मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिए, ये हरी मिर्च है और ऊपर से हम निचोड़ देंगे नींबू। तो 1 कप हम यहाँ 1 चम्मच नींबू का रस लिए हैं और इस सभी चीज़ों को मिला लेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसको चाय के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, चना चाट मसाला बनके बिल्कुल रेडी है, इसको खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल बिहार रेसिपी सीमा तिवारी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।